हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आ रहा होगा। इसके लिए फुल जो वीडियो है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन का आवाज़ नहीं आएगा, उसका भी अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। ऐसे सच सच के मैं कहीं पे नहीं जा रही हूँ। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। मैंने क्रिएट नहीं किया है, रिक्रिएट किया है मैं कहूँगी। एक्चुअली ये लुक को लेके बहुत सारा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। लास्ट एक मैरिज में मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने ये लुक क्रिएट किया था, बट तब मैंने ट्यूटोरियल शेयर नहीं किया था। बट आप सभी लोगों ने पूछा था, सभी लोगों ने नहीं, सॉरी, कुछ लोगों ने बोला था कि टिया आपको ये ट्यूटोरियल ज़रूर शूट करनी चाहिए थी। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको रिक्रिएट किया जाए। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इस लुक को फिर से रिक्रिएट किया है। और इस वीडियो का जो मेन है, मैंने हेयर स्टाइल भी दिखाया। सिर्फ 2 मिनट में हेयर स्टाइल बन जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आपका शॉर्ट हेयर हो या फिर लॉन्ग हेयर हो, दोनों तरीके से एक ट्रेंडी हेयर लुक लेके मैं आ गई। आप साड़ी के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हो। और पूरा लुक जो है मैंने सभी प्रोडक्ट्स के साथ दिखाया, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस लुक को देखते हैं कैसे मैंने रिक्रिएट किया है। छोटा सा कोशिश है, आप लोग अगर पसंद करोगे तो इन फ्यूचर मैं और भी ज़्यादा मेकअप वीडियो लेके आऊँगी। मुझे मेकअप वीडियो करना बहुत अच्छा लगता है। सो इस फुल लुक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस मेकअप ट्यूटोरियल के बाद आपको फुल लुक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले करूँगी हेयर स्टाइल एंड उसके बाद करूँगी अपना मेकअप, क्योंकि हेयर स्टाइल अगर पहले कर लेती हूँ तो मुझे सॉर्टेड लगती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ, अगर मेरे दिमाग में हेयर स्टाइल अच्छे से है तो पहले मैं हेयर स्टाइल करने की ही कोशिश करती हूँ। तो अच्छे से पहले अपने हेयर को कॉम कर लीजिएगा। कॉम करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी नॉट आपके हेयर में नहीं रहना चाहिए। तो आप इसको साइड पार्टीशन, मिडिल पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन में आप इस हेयर स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं दोनों, मेरा जो साइड पार्टीशन है ना, तो मैं दोनों तरफ ही कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। एंड सामने की तरफ कुछ हेयर को मैं रख रही हूँ क्योंकि इसको मुझे अलग से स्टाइल करनी है। इसके लिए आपको सेक्शन क्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लड़कियों के पास ये क्लैचर तो होता ही है, इसके हेल्प से हम लोग सेक्शन क्लिप की काम जो है वो कर सकते हैं। एंड ये हेयर स्टाइल मैं पता नहीं कितना आप लोगों को समझा पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा पाऊँ। तो अच्छे से कॉम करने के बाद हमें यहाँ पे एक पोनीटेल बनानी है। ये शॉर्ट हेयर पे भी काम करेगा, ये लॉन्ग हेयर में भी काम करेगा। पोनीटेल ना करके भी आप कर सकते हो, बट मुझे लगा कि पोनीटेल करके ईजी होता है, थोड़ा सा मेसी कम रहता है, इसीलिए मैंने पोनीटेल यहाँ पे कर लिया है अच्छे से टाइट। और सामने का जो बाल है ना, इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि हम लोग जब पीछे का बाल करें, उसको स्टाइलिंग करें, तब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो पहले हम लोग जाते हैं पीछे की तरफ। इसको अभी एक्सप्लेन कैसे करें, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। पूरा जो पीछे का बाल है वो सामने को लेके आना है, उसके बाद पीछे में थोड़ा सा छोटा सा एक बन टाइप का बनाना है, उसको आपको रबर बैंड के हेल्प से इसको सिक्योर करनी है। एंड जो बाकी का बचा हुआ आपका जो बाल है वो पीछे में ले जाके ऐसा कुछ शेप आएगा, कुछ हाफ सर्कल वाला एक शेप आएगा, उसको आप जब तक ना क्रिएट कर लो तब तक थोड़ा सा हाथ से सेट कर लो, और उसको फिर रबर बैंड के सेम रबर बैंड के हेल्प से उसको सिक्योर करना है। थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है, बट इसको आपको शेप देना है हाथों की मदद से कि राइट में ज़्यादा हो गया या फिर लेफ्ट में ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मेरा राइट साइड में ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए मैंने उसको लेफ्ट साइड में करके एक जो सर्कल वाला है ना, सर्कल वाला एक बन रेडी हो गया है, बहुत ही एलिगेंट लगता है। और अभी आता है सामने की बारी। तो इसको हम लोग नॉर्मल जैसे ट्विस्ट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेड भी बना सकते हैं, जो आपको लगे कि आसान है आपके लिए वही आप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ सामने का बाल लेके पीछे में ट्विस्ट कर रही हूँ, पीछे में ट्विस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जब लेंथ आ जाता है हेयर लेंथ, तब मैंने दो सेक्शन में डिवाइड करके, क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा सा लॉन्ग है तो दो सेक्शन में डिवाइड करके मैं उसको ट्विस्ट 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 करके जा रही हूँ। तो इस सेक्शन पे आके आप यहाँ पे रबर बैंड के हेल्प ले सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मैं इस पूरे हेयर लुक को सिर्फ दो रबर बैंड एंड दो क्लिप के मदद से कंप्लीट करना चाहती थी इसीलिए। बट यहाँ पे अगर आपको लगता है कि रबर बैंड आपको हेल्प करेगा तो आप कर सकते हो।
तो बाकी का जो हेयर है आप उसको पीछे में ले जाके अच्छे से सिक्योर कर लो, एंड बाकी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ठीक करना है इधर उधर से, वो आप आपके हाथों के मदद से ठीक कर सकते हो मिरर देख देख के। तो ऐसे ही मेरा सिंपल सा 2 मिनट में जो है हमारा हेयर बन रेडी हो गया है। आई होप कि मैं आपको समझा पाई, अगर समझा नहीं पाई प्लीज़ दोबारा जाके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मेकअप के बारे। तो मैंने अपना स्किन केयर जो है पहले ही कर लिया था, और मैं यहाँ पे डे लाइट पे शूट कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, तो शायद लाइटिंग का थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, बट मैं चाहती थी कि बिल्कुल सनलाइट में मैं शूट करूँ ताकि नेचुरल जो है नेचुरल चीज़ आपको देखने को मिले। तो जो हमारे स्किन केयर है वो पहले क्या किया मैंने, फेस वॉश, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। मैं डे लाइट पे शूट कर रही थी इसलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया, अगर आप नाइट टाइम में कर रहे हो तो मत लगाइए। उसके बाद मैंने लगाया है प्राइमर, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो। प्राइमर लगाने से क्या होता है ना, बहुत ही एक स्मूथ एक मतलब स्मूथ एक सरफेस हम लोगों को मिल जाता है ताकि हम लोग को मेकअप करने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग करेंगे कलर करेक्टिंग। तो यहाँ पर मैं गेस्ट मेकअप लुक कर रही हूँ, शादी में गेस्ट मेकअप लुक कर रही हूँ, इसलिए मैंने कलर करेक्टिंग नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कंसीलर ही लिया है। ये जो पैलेट है ना, ये पैलेट वर्सेटाइल पैलेट है, 100-150 रुपए में आपको इनसाइट का ये पैलेट मिल जाएगा। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें आपको हाइलाइटर, कलर करेक्टर एंड कंटूरिंग सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है एंड पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, एंड हाथों के मदद से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे किया है कि थोड़ा सा डार्क कलर का कंसीलर शेड लेके मैंने अपने अंडर आई एरियाज, जो पिगमेंटेड एरिया है, माउथ एरिया, एशियन में बहुत ही ज़्यादा होता है, एशियन गर्ल्स के माउथ एरिया में बहुत ही डार्क सा स्पॉट रहता है, तो उसको मैंने कवर किया है थोड़ा सा डार्क कंसीलर के साथ। यहाँ पे कलर करेक्ट भी आप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लेयरिंग करना नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं फाउंडेशन पे। तो ये मैंने फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया, थोड़ा सा वार्म करके मैं हाथों की मदद से करती हूँ। तो मुझे हाथों की मदद से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हाथों में मेल्ट होता है ना तो वो फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छा देता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाथों की मदद से पूरा अपने फेस में अपने स्प्रेड कर रही हूँ ये फाउंडेशन। उसके बाद मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चाहिए, आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है बिल्कुल मना है, सिर्फ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, आई मीन डैम्प, जी हाँ। तो मैंने यहाँ पे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया है। अपने एयर एंड जो अपने नेक है वो एरिया को बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड थोड़ा सा यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है बट वो सेटल डाउन हो जाएगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटेड एरिया को, जो हाइलाइटेड एरिया है उसको हाइलाइट करने के लिए सेम पैलेट से, मैंने इसीलिए सेम पैलेट यूज़ किया ताकि आप लोगों को आसानी हो, सेम पैलेट से जो येलो करेक्टर है उसको एज अ हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है। मतलब लाइट कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई हाइलाइटर बेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इनसाइड का पैलेट मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा कंटूरिंग करती हूँ, नोज कंटूरिंग, एंड मेरा जो फोरहेड है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वो फोरहेड थोड़ा सा कंटूरिंग करती हूँ। बाकी ब्रॉन्जिंग आप कर सकते हो बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, एंड फेस में मैं कंटूरिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी चिजल्ड है तो मैं इसीलिए नहीं करती हूँ। और उसके बाद सारा क्रीम प्रोडक्ट, पहले जो है ना हमारे मेकअप में पहले क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लोग करेंगे पाउडरिंग। तो पाउडर से अच्छे से सेट करना है, पहले जो हाइलाइटेड हम लोग हमारे एरिया है जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया था उसको, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी का जो है वो डस्ट ऑफ कर लेती हूँ, और अच्छे से हमको ईयर पे अपने नेक पे जो है ब्लेंड करनी है। उसके बाद आता है पाउडर ब्लश। हम लोग अगर लिक्विड ब्लश यूज़ करते हैं तो पाउडर से पहले यूज़ करना चाहिए। तो ब्लश हमेशा ऊपर से लेके नीचे में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रश में ज़्यादा हो जाता है टैप करने के बाद भी तो आपके गालों पे नहीं आएगा। देन हाइलाइटर, गाइज आप ये मत सोचना कि ये 1 मिनट में 2 मिनट में हो गया है, पूरा मेकअप लुक को क्रिएट करने में मुझे 40 मिनट्स लगा है। मैं 40 मिनट्स तो अपलोड नहीं कर पाऊंगी तो आप लोग भी बोर्ड हो जाओगे, तो इसीलिए जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है ना वो मैंने नहीं दिखाया, सिर्फ अप्लाई का प्रोसेस दिखाया।
उसके बाद हाइलाइटर मैंने लिया है, ये मास्टर क्रोम का हाइलाइटर है मेबलिन का, बहुत ही अच्छा है इंडियन स्किन टोन के लिए। और जो हमारे यूजुअल एरियाज है हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज इसमें किया है। उसके बाद हमारे आते हैं आइज़ की बारी, हमारा मेकअप जो है फेस मेकअप जो है वो डन है। उसके बाद मैंने लिया है लॉरियल का यहाँ पे आईब्रो पैलेट जो पाउडरी फॉर्म में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही ओवर नहीं करना है, जैसा आपका आईब्रो का शेप है उसके हिसाब से ही आपको थोड़ा सा ड्रॉ करनी है, आपका लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, तो अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे आई शेडो की बारी, जो आई मेकअप है जो क्रूशियल पॉइंट है। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट शेड लेके और थोड़ा सा डार्क शेड लेके मैं एक ट्रांजिशन कलर ऐड करूँगी, जो हमारे स्किन एंड मेरा हमारा जो आई शेडो का कलर है उसमें एक ट्रांजिशन हमारे कलर चाहिए, तो इसको मैं ट्रांजिशन कलर के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। देखिए कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने दोनों आईज पे एक ट्रांजिशन शेड। उसके बाद मैं पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ, तो पिंक कलर की एक डार्क शेड लेके आउटर वी पे ऐड कर रही हूँ, कलर प्रेस कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ब्लेंड कर करके अपना इनर कॉर्नर तक, क्रीज को लेके इनर कॉर्नर तक आ रही हूँ। एंड फिर से मैं वो जो ट्रांजिशन शेड मैंने लिया था उसको लेके ये जो डार्क कलर है दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंड ही है मेन की, मैं भी उतनी अच्छी तरीके से अभी तक आई मेकअप जो है वो नहीं कर पाती हूँ। गाइज मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जितना मुझे पसंद है जितना मैं देख देख के यूट्यूब में सीखी हूँ वैसा ही मैं करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और एक डार्कर कलर लिया है जो आई लिड पे मैंने ऐड किया है। उसके बाद एक वाइट कलर की शेड लिया है जो मैंने आई लिड को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारा क्रिएटिविटी करते हैं, बट मैंने सिंपल रखने की कोशिश किया है और उस दिन भी मैंने सिंपल किया था इसीलिए। तो देखिए कि अभी जो आई शेडो का है ना, आई शेडो का बेस एंड आई शेडो का ट्रांजिशन कलर एंड फुल आई लुक एक क्रिएट हो गया है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक नाइट पार्टी था, मतलब मैरिज था, नाइट में था, इसलिए मैंने एक शिमर ऐड किया है। शिमर जब भी आप यूज करो ना हाथों के मदद से यूज करो, तो क्या होता है ना कलर पे ऑफ जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। एंड एक टिश्यू पेपर ऑलवेज साथ रखो, जो भी हाथ में आता है वो आप साफ कर लो इमीडिएटली। उसके बाद आता है क्रूशियल पार्ट, जो हमारे अपर लिड को तो हमने अच्छे से शेडो कर लिया है, एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, बट लोअर लाइन को जो है आई का लोअर लाइन भी हम लोगों को जो है ना अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एक बैलेंस रहे। तो सेम जो भी कलर हम लोगों ने पिक किया है थोड़ा थोड़ा करके हमारे नीचे का जो आई लाइन है तो उसमें भी लगाना है छोटे ब्रश के हेल्प से। एंड उसके बाद जो हाइलाइटर हम लोगों ने यूज़ किया था वो हाइलाइटर को लेके ही हम लोगों को इनर कॉर्नर में प्लेस करनी है एंड हमारे ब्राउ बोन के नीचे जो हाई पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। उसके बाद लाइनर आपके हिसाब से, मैंने बिल्कुल थिन आईलाइनर उस दिन यूज़ किया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये आई लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा थिन रखा है आईलाइनर। आप लोगों के हिसाब से आप जैसा भी चाहो आप वैसा कर सकते हो। एंड वाटर लाइन को टाइट करने में आप काजल यूज़ कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा काजल यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने वो स्किप कर दिया है। उसके बाद मस्कारा, अच्छे से मस्कारा कोट कीजिए ताकि आपका आईलैश जो है बहुत ही उभर के आए। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो आईलैश यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आईलैश यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। आईलैश यूज़ करने से आपको लगेगा कि आप मेकअप स्टूडियो से मेकअप करके आए हो। मैं कहीं पे नहीं जा रही थी इसलिए मैंने आईलैश को स्किप किया है। यहाँ पे आप पिंक लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो या फिर रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक यूज़ किया है क्योंकि मेरे साड़ी में पिंक एंड ऑरेंज थोड़ा सा रेडिश काइंड शेड है इसीलिए। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया था मेकअप फिक्सर जो पता नहीं कैसे इस यहाँ से डिलीट हो गया। एंड बिंदी सारी ज्वेलरी के साथ मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है चूड़ी के साथ। तो देखिए ये लुक कैसा लगा, छोटा छोटा चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है गाइस। अगर छोटा छोटा चीज़ में अगर आप ध्यान दोगे तो मेकअप कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी स्टेप से ही आपको बहुत अच्छा एक लुक मिल जाएगा।
करके बताना। तो अगर पसंद आया ये वीडियो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन लोगों के साथ लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली न्यूली मैरिड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको बहुत ही आसानी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्विटेशन रहती है, बहुत ज़्यादा ताम झाम रहती है आफ्टर मैरिड, न्यूली वेड को बहुत ही जगह जगह पर जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही आसानी होगा, हेयर स्टाइल हो या फिर मेकअप लुक हो, कोई भी साड़ी का लुक हो इसीलिए। एंड जस्ट बिकॉज अभी मैं कहीं पे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ अभी आप लोगों के साथ शूट करके एक दो रील्स बना के मैं इस वीडियो इस मेकअप को जो है ना रिमूव कर लूँगी। अच्छा नहीं लगता है बहुत देर से सजने के बाद इतनी जल्दी मेकअप रिमूव करना, बट फिर ठीक है आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। एंड इंस्टाग्राम में मैं इसका रील अपलोड करती जाऊँगी, सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड इंस्टाग्राम में मुझे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आई डी स्टिया और लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे प्रोडक्ट जो मैंने आज यूज़ किया है लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने के साथ खुशियां बांटते रहिए, आप खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।